हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद गुरुजी में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो इसरो आपके लिए वैकेंसी लेकर आया है। तो इसरो में आपको जाने का बहुत सुनहरा मौका है। यदि आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आप इसरो में जा सकते हैं। तो उसके लिए जो वैकेंसी आई है उनको मैं पूरी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, इसरो को कौन नहीं जानता। सभी का सपना होता है कि हम इसरो में काम करें, अपने देश का नाम रोशन करें, हम जो है देश के लिए कुछ अलग करके दिखाएं। तो इसरो ने उसके लिए मौका दिया है, उसके लिए वैकेंसी निकाली है, जॉब वैकेंसी निकाली है, जो कि निकाली तो 2020 में थी, लेकिन कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ उसमें वो पूरी नहीं हो पाई। तो उसमें अब जो आवेदन की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया गया है। जो आवेदन है अब उसके आवेदन के लिए प्रारूप शुरू किया गया है। तो अब उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसरो ने दो पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। तो इसमें जो सबसे पहला है हमारा, वो है हमारा साइंटिस्ट है, और दूसरा हमारा जो है वो है इंजीनियर, इंजीनियर एडी। तो हमारे इन दो पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है इसरो में। तो जो सैलरी पैकेज है वो बहुत अच्छा है। जो सैलरी पैकेज है, सैलरी की अगर हम बात करें तो जो मिनिमम सैलरी है वो है हमारी 56,100 रुपये मिनिमम है, और जो मैक्सिमम सैलरी है वो हमारी है 1,77,500 रुपये। तो जो सैलरी पैकेज है, जो पे स्केल है वो भी काफी अच्छा है। तो साथियों, यदि आपने इंजीनियरिंग की है तो आप इसरो की तरफ जा सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं, देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मौका है। अब इसके लिए पात्रता योग्यता की हम बात करें कि योग्यता क्या चाहिए होगी, तो उसके लिए आपने स्नातक में इंजीनियरिंग से किया हुआ होना चाहिए। उसके साथ साथ जो आपके नई नई अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग दिशा निर्देश हैं उनको आप अप्लाई करने से पहले एक बार ध्यान से अवश्य पढ़ लीजिएगा। जो आपके लिए आवेदन कैसे करना है तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, इसके लिए आप अप्लाई कब तक कर सकते हैं, जो अंतिम तिथि है वो है हमारी 4 जनवरी। 4 जनवरी तक हमारे पास टाइम है। 4 जनवरी से पहले पहले हम अप्लाई कर सकते हैं। 4 जनवरी 2021 तक हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपसे वही कहूंगा कि अप्लाई करने से पहले एक बार जो इसके दिशा निर्देश हैं उनको अवश्य पढ़ लीजिएगा। इसमें जो टोटल पदों की संख्या है, वो जो टोटल पद हैं वो है 19। दोनों को मिलाकर 19 पद के लिए जो ये वैकेंसी है, तो 19 के लिए अप्लाई करना है। जो वैकेंसी है वो कम है, लेकिन यदि आप अभी से मेहनत करेंगे, अपने आप में कुछ जुनून रखते हैं, तो आप जरूर इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। मैं चाहूंगा यदि आप इसके लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं तो एक बार फॉर्म अवश्य भरें, अपने आप को चेक करें कि आप कितने पानी में हैं। साथ ही मैंने जो ऑफिशियल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ और अधिक जानना है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।